Welcome back students. In this video we will learn how to make presentation slides in LaTeX using Beamer class. As before, we will use overleaf.com website for this purpose. By the time it's loading, let us see what we can do here. So starting mein ab kya karenge, pehli line to yahi rahegi, document class Beamer, theek hai, aur uske baad hum likhenge begin document और फिर लास्ट में हम एंड डॉक्यूमेंट. तो ये तो कॉमन चीज़ है जो हम पहले उसमें नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स में भी लिखते आए और यहाँ भी लिखेंगे, ठीक है. उसके बाद फिर इसमें आता है कि ये सारी चीज़ें तो मैं बाद में बताऊंगा आपको कि ये क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है. सो लेट अस, इसके बाद ऑथर लिखा जाएगा. वहां भी आप ऑथर लिखते थे, ठीक है ना, ऑथर लिखते थे, ऑथर में अपना नाम लिख देते थे. अच्छा, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में है ये मैंने कस्टमाइज किया हुआ है, ये जरूरी नहीं है कि आप लिखो ही, ठीक है ना. बाद में जब आप थोड़ा सीख जाएंगे तब फिर ये लिख सकते हैं. वैसे ये रनिंग होता है, रनिंग में जैसे मैंने ये बनाया था ना, तो ये वीरेंद्र कुमार PhD ईमेल, ये यहाँ पे लिख करके आ रहा है, ये यहाँ पे लिख करके आ रहा है, और यहाँ पे ये आ रहा है रामानुजन कॉलेज समथिंग करके लिख करके. So, now it has opened. देखते हैं यहाँ पे, ठीक है. एक्चुअली में ये क्या डॉक्यूमेंट क्लास आर्टिकल अपने आप ले रहा है, हम इसको चेंज करेंगे पहले, ठीक है ना. इसको क्या लिखेंगे, BEAMER, ठीक है ना, बीमेर. इसको हम हटा देते हैं, ये कुछ फॉन्ट इंक्लूड करने के लिए होता है, ये हमें काम का नहीं है हमारे, ठीक है. क्या बीमेर को लिखते हैं सर, आर्टिकल. बेटा ये जो डॉक्यूमेंट क्लास होता है नॉर्मल, अगर आप हम कोई आर्टिकल लिखते हैं, कोई पेपर लिखते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसके लिए आर्टिकल होता है, ठीक है ना, फाइन. जैसे अभी मैंने वो किया था, जैसे प्रैक्टिस सेट मैंने बनाया था, तो इसमें हमने क्या किया था, डॉक्यूमेंट क्लास आर्टिकल लिखा था, एक आर्टिकल होता है. बीमर जो होता है स्पेशली ये एक क्लास है, डिफरेंट डिफरेंट क्लास होता है. जैसे एक आर्टिकल क्लास है, एक होता है AMS आर्ट क्लास होता है, ठीक ना. अगर बुक लिखना है तो बुक की क्लास होती है, ठीक है. ये बल्कि ये आप ये पैकेज आप अपने से भी बना, ये क्लास आप अपने से भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी कोडिंग जाननी होती है, ठीक है. इवन अगर लेटर लिखना है आपको तो लेटर आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है. सो इस तरीके से यहाँ पे चेंज हो सकता है. तो इसमें मैं आर्टिकल हम लोग यूज कर रहे थे, तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट क्लास जो होती हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए होती हैं, ठीक है ना. ओके, सो ये चीज जो है आर्टिकल में हम नॉर्मल पेपर्स लिखते हैं, जैसे ये पेपर हमारा है, ये पेपर हमने लिखा हुआ है इस तरीके से करके, ये बनाया हुआ है, ठीक है ना, ये पेपर लिखा हुआ है. लेकिन जब हम बीमर में बात करेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन के लिए स्पेशली है वो क्लास बनाई हुई है, ठीक है, ये प्रेजेंटेशन के लिए स्पेशल बनाया हुआ है. तो बीमर एक क्लास है, जब भी हमें प्रेजेंटेशन बनाने की जरूरत होगी तब हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्लास बीमर लिखेंगे, ठीक है ना. सो बीमर इज ए क्लास, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा भी रहा था, ठीक है. बीमर इज ए क्लास, यहाँ पे मैंने कहीं पे दिखाया था आपको, देखिए बीमर वाज डिजाइंड बाय टिल टेंटाउ, और ये जो है एक क्लास होता है, डॉक्यूमेंट क्लास होता है, ठीक है. तो प्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं. टाइटल जो वहां पे आप लिखते थे वैसे ही टाइटल लिख देंगे हम, Making presentation using Beamer in, या Beamer class लिख दें, Beamer class in LaTeX. अब LaTeX को आप जैसे वहां पे करना चाह रहे हो वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. LaTeX तो ऐसे ही लिखते थे, है ना, कैप्स में छोटा बड़ा करके. author मान लीजिए मैं अपना नाम लिख दूं वीरेंद्रा, ठीक है ना. और डेट ये अपने से लिख करके आ रहा है, आप चाहो तो डेट जैसे वहां पे कस्टमाइज कर रहे थे वैसे कस्टमाइज कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना. तो ये चीज तो मैं पहले बता चुका था आपको. अब यहाँ पे ये मेक टाइटल और इंट्रोडक्शन ये सारा मैं हटा दे रहा हूँ, क्योंकि हमें प्रेजेंटेशन बनाना है और ये आर्टिकल के लिए दिया हुआ था, ठीक है ना. इतना हम लोगों ने कर दिया यहाँ पे. अब यहाँ पे जो भी आएगा ना, हर एक प्रेजेंटेशन जैसे आप लोग स्लाइड्स बनाते हो ना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, तो हर एक पेज एक स्लाइड के फॉर्म में होता है, ठीक है ना. तो यहां भी हम स्लाइड्स बनाएंगे, बिगिन स्लाइड,
बिगिन स्लाइड कर मतलब बिगिन फ्रेम होगा, हर एक स्लाइड के लिए एक फ्रेम होगा, ठीक है ना। सो बिगिन फ्रेम एंड फ्रेम, यहाँ पे फ्रेम टाइटल लिया हुआ, आप चाहे तो फ्रेम टाइटल दे सकते हो, ठीक है। सो अगर नहीं चाह रहे हो तो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल मैं इसको नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे हम, वहां पे क्या लिखते थे, मेक टाइटल लिखते थे पहला पेज पे, जब बिगिन डॉक्यूमेंट के बाद स्टार्ट हो जाता हम क्या लिखते थे, मेक टाइटल लिखते थे, जो इन सब चीजों को कॉल कर लेता था। यहाँ पे क्या करेंगे, टाइटल पेज लिखते हैं, टाइटल पेज। इस क्लास में टाइटल पेज डिफाइंड है और आर्टिकल वगैरह वाली वो बाकी वो जो क्लासेस हैं वहां पे मेक टाइटल वाला है, ठीक है ना। सो ये टाइटल पेज हो जाएगा, फाइन। तो ये एक पेज देगा, टाइटल पेज देगा, वहां पे हम पेज पे ही जो टाइटल होता था ना, अब देखेंगे जैसे यहाँ पे दूसरी फाइल्स में मैं दिखाऊं, तो पेज में ही पहले पेज पे ये टाइटल है, ठीक है, और उसी पे ऑथर का नाम भी है और फिर एब्स्ट्रैक्ट है और फिर ये इंट्रोडक्शन वगैरह सब लिखा हुआ है। ये क्या करेगा, एक पेज पे टाइटल टाइटल ही रखेगा फिलहाल तो, ठीक है। सो ये इतना हम लोगों ने कर दिया। चलिए हम लोग इसको पहले रन करा के देखते हैं कि ये क्या दे रहा है हमें, कंपाइल करते हैं। ये देखिए, ये कलर अपने आप ले रहा है, कलर अपने आप ले रहा है, बाद में हम देखेंगे इसको कस्टमाइजेशन कैसे कर सकते हैं जरूरत पड़ी तो। ये अक्टूबर 2020 मैंने लिखा हुआ है, तो ये आ रहा है, ये इतना, ठीक है। तो ये टाइटल पेज बन गया हमारा, फाइन। अब इसके बाद हम, अच्छा ये जो टाइटल पेज आया एक फ्रेम में आया हुआ है, ठीक है। अब फ्रेम का अगर कुछ टाइटल देना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे कुछ टाइटल है नहीं, आप अगर देखेंगे तो ये फ्रेम तो मतलब एक एक फ्रेम बना, एक पेज तो बना है ये, लेकिन यहाँ पे ऊपर कोई टाइटल वगैरह ऐसे नहीं है, ठीक है ना। तो आप चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं, वैसे टाइटल पेज में जरूरत नहीं है आप ऊपर टाइटल दें, और अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी तो आप दे सकते हैं स्लाइड्स के। एक्चुअली में क्या होता है, फ्रेम के मान लीजिए हम बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए साइक्लिक ग्रुप में डिस्कस कर रहा हूँ, साइक्लिक ग्रुप में बहुत सारे जो छोटे छोटे टॉपिक आते हैं, सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप यहाँ लिख दिया, दूसरे स्लाइड बनाए, दूसरा फ्रेम बनाया मैंने, लिख दिया कि जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप लिख दिया। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ऑप्शनल वो चीज़ें हम लिख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो हटा दिया मैंने। चलिए अब देखते हैं इसमें हम अगर क्या रखना चाहें, मान लीजिए हम लोगो रखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम इसमें देखें प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में आपको दिखाता हूँ ये प्रेजेंटेशन, तो मैंने क्या किया है यहाँ पे टाइटल, ये जो आ रहा ना स्क्वायर करके, ये बताऊंगा आपको कैसे होगा, जस्ट ये सिंगल कमांड है। ये नाम लिख दिया हमने, ये अफिलिएशन वगैरह लिख दिया हमने, डेट भी लिख दिया है, ये लोगो अगर हम चाह रहे हैं तो लोगो कैसे ला सकते हैं, वाटर मार्क भी कर सकते हैं हम, बट वी सी लेटर वन बाई वन कि यहाँ पे हमें क्या लाना है, हमें लाना है एक लोगो लाना है, ठीक है ना। लोगो लाने के लिए जैसे यहाँ पे करते थे हम उस दिन हम लोगों ने किया था ना, तो वैसे सेम वही कमांड है और कुछ नहीं है, बिगिन पिक्चर और बिगिन फिगर इंड फिगर करके। अब जैसे ये है, ये मैं वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, बाकी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, सो देट थोड़ा जल्दी हो जाए। ये टाइटल पेज है, इसके नीचे हम चाह रहे हैं, टाइटल जो लिखा है ना उसके नीचे थोड़ा सा, अब यहाँ पे थोड़ा स्पेस मैं दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इससे, आपको आसानी से दिखेगा। ये बिगिन फिगर हो गया, सेंटरिंग सेंटर में करेगा, ये होगा इंक्लूड ग्राफिक्स, विड्थ और हाइट मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखी है। अब ये लोगो जो है, पिक्चर का नाम है वो, ये लोगो के लिए ना मैंने जो है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी आप पिक्चर इसमें इंक्लूड करना चाह रहे थे, सबसे पहले उसको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है ना। अपलोड करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे, तो अपलोड ऑप्शन में जाएंगे, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी उन सब फाइल्स को अपलोड कर रखा है, अगर देखेंगे तो वो फाइल को, अब मान लीजिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का लोगो चाह रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा। अपलोड पे क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर रखा है, जैसे एक लोगो ये आयो हो गया, ये कर सकता हूँ मैं,
या फिर ये कर ये सपोज मैं कर सकता हूँ, ठीक ना, तो ये कर रहा हूँ मैं अपलोड और ये अपलोड हो गया, ठीक है, फाइन, अपलोड हो गया। देयर इज सम मैसेज, ओके फाइन। सो मैंने क्या किया, इसको अपलोड कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पे दिखा रहा है इस फाइल में मैंने अपलोड किया वो लोगो डीयू लोगो डॉट पीएनजी। दो फाइल आप अपलोड कर सकते हैं, जेपीजी अपलोड कर दीजिए या फिर पीएनजी अपलोड कर दीजिए, या तीसरा और भी है ईपीएस डॉट ईपीएस एक्सटेंशन का भी कर सकते हैं, बट हम लोग ज़्यादातर जेपीजी और पीएनजी ही यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं हम यहाँ पे अभी आया नहीं है, हम इसको उसका नाम है जो पिक्चर का नाम जो भी है इसको यहाँ पे टाइप करेंगे डी यू लोगो करके था समथिंग, देखो अपने आप ही सजेस्ट करेगा ये डी यू लोगो डॉट पी एन जी है। तो इसमें आप एक्सटेंशन चाहे रखना चाहो तो रख लो, ये एक्सटेंशन नहीं रखना चाहो तो डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी मैंने डिलीट कर दिया तो भी वो आएगा भाई, ठीक है। ये हाइट विड्थ इसकी जो जो पिक्चर है इसकी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा कम चाहे तो, अभी देखेंगे तो ऐसे दिख रहा है ये, ठीक है ना, ये दिख रहा है आपको, तो अगर आपको छोटा लगे तो और बड़ा कर दीजिए उसका साइज, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, स्ट्रेच कर देगा इसको बस, और कुछ नहीं करेगा। तो ये प्रेजेंटेशन, ये टाइटल हो गया, ये नाम हो गया आपका, और ये हो गया डेट। अच्छा अब इसमें आप अफिलिएशन अगर लिखना चाह रहे तो भी आएगा वो, आप देखिए अब देखिए मैंने टाइटल लिखा, ऑथर लिखा, और यहाँ पे जो है यहीं से कॉपी कर देता हूँ मैं, आई थिंक इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये इंस्टीट्यूट करके लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। तो कमांड क्या होगा, इंस्टीट्यूट होगा, अभी डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स लिख दिया, रामानुजन कॉलेज लिख दिया मैंने, और फिर रामानुजन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पिन कोड, और जहां भी हमें नई लाइन देना होगा हम डबल बैकस्लैश लगा करके ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इसको मैं कंपाइल करता हूं, कंपाइलेशन के बाद आप देख पाएंगे ये आ गया, प्रेजेंटेशन का टाइटल हो गया, नाम हो गया, और फिर ये अफिलिएशन हो गया मेरा, और यहाँ पे ये डेट हो गई, और ये लोगो हो गया। लोगो का साइज आपको छोटा बड़ा जैसे भी करना है आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ये विड्थ हाइट जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये विड्थ और हाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर, आप चाहे तो इसको इंच में कर सकते हैं, अदरवाइज चाहे तो फाइन। सो आप इसको 2 सेंटीमीटर में कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, तो आप इसको कंपाइल करके रन करा सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा लोगो बड़ा होगा, तो ये अभी तक हम लोगों ने टाइटल पेज बनाया। थोड़ा कलरफुल बनाने के लिए हम देखेंगे कैसे कर सकते हैं, दैट इज इजी, नॉट सो मच डिफिकल्ट। सो ये हो गया, अब हमें और कोई फ्रेम चाहिए, तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर से एक फ्रेम बन गया हमारा, दूसरा फ्रेम हम बनाते हैं बिगिन। अब जितना भी फ्रेम चाहे ना हम जोड़ते चले जाएं, इसमें एक फ्रेम सीख लिया बस, ये बिगिन फ्रेम एंड फ्रेम। टाइटल का चाहिए, टाइटल आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अदरवाइज फिलहाल मैं ओमिट कर दे रहा हूँ टाइटल, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखना है हमें, ठीक है, ये चीज़ हम
देख सकते हैं। तो ये जैसे है कि इसमें बात करूं मैं, तो एक प्रेजेंटेशन इन्होंने बनाया हुआ है, तो मैं काम करता हूं इसी में से, कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, आपको आसान रहेगा, जल्दी हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, ये मैं बिगिन फ्रेम एंड फ्रेम था, तो इसमें ऑलरेडी मैंने कॉपी किया। देखिए बिगिन फ्रेम है एंड देन एंड फ्रेम है, और यहाँ पे जो अब्स्ट्रैक्ट एंड ऑल ये सारी चीज़ें लिखी होंगी, अगर हमें अब्स्ट्रैक्ट लिखना है तो अब्स्ट्रैक्ट लिख दें, अदरवाइज हम इसमें ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है ना, ये भी इन्वायरमेंट होता है। अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं या आर्टिकल लिखते हैं ना, तो उस प्रेजेंटेशन के बारे में जो ब्रीफ हम लिखते हैं वही जो है अब्स्ट्रैक्ट होता है। ठीक है ना, अब इसमें अबाउट अस मैंने लिख दिया है वैसे, तो अब जैसे कॉलेज के बारे में लिखना है तो अबाउट अस लिख दीजिए आप। मैं ये पेपर जैसे दिखाऊँ आपको, तो नॉर्मली आर्टिकल में भी ये देखो अब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, तो इसमें हम पूरा का पूरा समराइज कर देते हैं चार पांच लाइन में, एकदम क्रिस्प पे लिख देते हैं कि इस पेपर में हमने, रिसर्च पेपर हमने क्या किया हुआ है। ठीक है ना, तो ऐसे ही प्रेजेंटेशन में भी कुछ हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, वी विल डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ 12 के बारे में, कुछ बता रहे हैं, तो इसको हमने अब्स्ट्रैक्ट की कैटेगरी में रख दिया। ये बिगिन अब्स्ट्रैक्ट लिखने में तो एक इन्वायरमेंट आपको दे देता है, और साथ ही साथ वो कुछ मतलब ब्लॉग एटसेट्रा इस टाइप का कुछ अगर प्रोविजन रहेगा तो बना देगा, उसमें डिपेंड करता है कि हम कौन सा यूज करें। अब देखिए यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट जो है बीच में सेंटर में आ गया और कलरफुल आया है। ठीक है ना, ये कलरफुल आया है और ये चीज, अब इसमें और चाहे तो आप और भी चीजें लिख सकते हो। अपने आप दूसरी स्लाइड आ गई है, ठीक है, दूसरी स्लाइड अपने आप आ गई है। तो अब हम इसके बाद चलते हैं कि एक और फ्रेम हम बनाते हैं, और फ्रेम बनाते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ यहीं से मैं कॉपी करता चलता हूँ, ये हो गया, ये सारे कॉपी कर, ठीक है, और इसमें तो बिगिन फ्रेम और एंड फ्रेम ये दोनों आ गए। ठीक है, ये बिगिन फ्रेम हो गया और ये एंड फ्रेम हो गया। फिर इसमें ये फ्रेम टाइटल लिखा हुआ, अब फ्रेम टाइटल चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज जरूर इसको आप ऐसे ही कर दो। ठीक है ना, ये ऐसे ही तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया, तो इसमें फ्रेम का टाइटल आ जाएगा। जैसे आप देखेंगे इसमें जो फ्रेम बन रहा था तब तक टाइटल नहीं आया था, अब इसमें बिगिन आइटमाइज और एंड आइटमाइज करके है, बिगिन आइटमाइज है और एंड आइटमाइज, ये अब वहाँ भी करते थे आइटमाइज और इनुमरेट करते थे। आइटमाइज में क्या करेगा, ये आइटम्स बहुत सारे बना देगा इसमें। ठीक है ना, बोल्ड यहाँ पे कुछ बुलेट्स एटसेट्रा ऐसे ही रख देगा। इनुमरेट अगर करोगे तो फिर 1 2 3 इस तरीके से करके ए बी सी डी जैसे है वो करके रख देगा। अब इसी को हम रन कराते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए पहला पेज हो गया, दूसरा पेज कि हमने बता दिया इसमें हम क्या, इस प्रेजेंटेशन में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। अफेक्ट्स अबाउट 12, जो फ्रेम टाइटल है ना वो ऐसे लिख देगा, साइड में लिख देगा, यानी हम ये बता पाएंगे कि इस फ्रेम में हम क्या बात करने जा रहे हैं। तो फैक्ट्स अबाउट 12, कौन कौन से फैक्ट्स हैं, 12 है 6 पॉजिटिव डिवाइजर्स, 12 इज ट्वाइस ए परफेक्ट नंबर 6 ऐसे करके, 12 इज वन ऑफ द लेग्स ऑफ फेमस पाइथागोरियन ट्रायंगल। ठीक है, तो 12 5 12 and 13 ऐसे करके, तो ये बन गया। ठीक है, तीसरा भी पेज हमने बना लिया कुल मिला करके। ठीक है, अच्छा अब बात अगर इसमें देखें तो आई होप कि एक कुछ क्वेश्चन इसमें और एक फ्रेम और बनाना चाह रहे हैं। अब इसको मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप परेशान मत होइएगा, बस टाइप करने के लिए, टाइम से बचने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ और कुछ नहीं। बाकी सारे इसमें कोडिंग तो वही है, बार बार कर रहे हैं। बिगिन फ्रेम हो गया, एंड फ्रेम हो गया, अच्छा इसमें आइटमाइज लिखा है, आप चाहो तो इनुमरेट कर सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है ना, अब इस पर क्लिक करूंगा तो अपने आप ही होगा, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, हो गया और ये एंड इनुमरेट हो गया। ठीक है, तो ये बुलेट्स बना करके अब देगा, इनुमरेट हम पहले कर चुके थे, इसमें बुलेट्स देख लेते हैं कैसे बन रहा है। ठीक है, सॉरी इसमें नंबरिंग आ जाएगी, पहले बुलेट्स आया था, ये बुलेट्स आया था। ठीक है ना, डिफरेंट टाइप का ओपन क्वेश्चंस ये है, हाउ मेनी पॉजिटिव डिवाइजर आर 100
have 6 positive divisors or something. तो ये 1, 2, 3 करके यहाँ पे आ गया, ठीक है. तो ये प्रेजेंटेशन इस तरीके से हमारा बन जाएगा, फाइन. अच्छा, इसमें ये और होता है कि कई बार होता है कि हम बताना ये चाह रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट तो हमने बता दिया, ब्रीफ कर दिया कि हमने क्या क्या बोलना है इसके बारे में, लेकिन हम उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन को स्प्लिट कर रहे हैं, ये चीज़ बताने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट क्लास बीमर है और बिगिन डॉक्यूमेंट है, फिर क्या है, एक बिगिन फ्रेम है, यहाँ पे टाइटल पेज है, टाइटल पेज यहाँ पे फिनिश हो रहा है, ठीक है. और यहाँ पे हमने ये लोगो अपने यूनिवर्सिटी का लगा दिया है. फिर उसके बाद हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया है, ठीक है. अब यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि टेबल ऑफ कॉन्टेंट आ जाए. टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स का मतलब ये है कि हम इसमें वो पॉइंट लिख देंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हम इसमें बेसिकली डिस्कस करेंगे, ठीक है ना. हमारा प्रेजेंटेशन किस किस के बारे में होगा, तो ये चीज़ है. अब ये करने के लिए हम, और एक उसके लिए हमें सेक्शन बनाना पड़ता है, तो अभी सेक्शन बनाएंगे. पहले इसमें हम एक बिगिन फ्रेम कर दें, बिगिन फ्रेम और एंड फ्रेम, ठीक है. टाइटल, अब टाइटल में मैं इसमें चाहे तो लिख सकता हूँ, ठीक है ना. ये जरूरत होगी देखेंगे. अब यहाँ पे मैं लिखूंगा backslash table of contents, ठीक है ना. बस एक ये कमांड हमें लिखनी है, टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स. बट अभी आप अगर देखोगे तो इसको करने से कोई फायदा होगा नहीं हमें, क्यों, क्योंकि हमने कोई कैटेगराइजेशन किया नहीं है, सिर्फ अपने प्रेजेंटेशन को डिवाइड नहीं किया हुआ है कि हम इसके बारे में बोलेंगे, इसके बारे में बोलेंगे, इसके बारे में बोलेंगे. जैसे साइक्लिक ग्रुप हो गया, उसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं ना, कि हम इसमें जनरेटर के बारे में बोलेंगे और हम फिर बात करेंगे कि कितने नंबर ऑफ जनरेटर्स होंगे और ऑर्डर कितना होगा, ठीक है ना. तो इस तरीके का चीज़ों का अभी इसका कोई फर्क नहीं पड़ा है, जैसा था प्रेजेंटेशन हमारा वैसा ही है, ठीक है. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब जैसे फैक्ट अबाउट 12, तो मैं यहाँ पे एक सेक्शन बनाता हूँ, स्टार्ट करता हूँ सेक्शन, ठीक है. अब इस सेक्शन के बारे में ऐसे लिख दूँ फैक्ट्स, ठीक. तो मतलब मैं कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करूँगा, ठीक ना. फैक्ट्स, चाहो तो फैक्ट्स अबाउट 12 भी लिख देता हूँ ऐसे ही. अब इसमें नंबर लिखा, नंबर में देखिए डॉलर लगाए, केवल नंबर अगर लिखा, डॉलर लगाए ना लगाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, जैसा ये आएगा वैसा ये भी आएगा. हाँ, अगर कोई सिंबल है तो फिर डॉलर लगाना पड़ेगा हमें. तो एक सेक्शन ये हो गया, दूसरा सेक्शन हम देखते हैं. एक सेक्शन ये हो गया, अब यहाँ पे मैं एक और सेक्शन बना देता हूँ, इसमें रखूँगा ओपन क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चंस, ठीक ना, क्वेश्चंस, लो ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है. चलो, एक सेक्शन ये हो गया. फिर उसके बाद आई थिंक बस दो ही हम बना सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ये हो गया. तो फ्रेम है, आप एक सेक्शन में कई सारे फ्रेम रख सकते हो और हर फ्रेम का आप चाहे तो टाइटल भी दे सकते हो ऐसा करके. सो अब देखते हैं, प्रेजेंटेशन है, पहला स्लाइड हो गया, दूसरा स्लाइड हो गया और तीसरा देखिए ये है, दो इसमें पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं, टेबल ऑफ कॉन्टेंट अपने आप ही जनरेट होगा, जितने सेक्शन बनाते जाओगे ना अपने आप ही यहाँ पे जनरेट होता चला जाएगा. और जिस पे आप क्लिक करोगे, मान लो क्वेश्चंस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्वेश्चन वाले पे आ जाएगा स्लाइड पे ये, ठीक है. तो ऐसे ये नेविगेट हम कर सकते हैं. साथ ही साथ इसमें हम, अभी मैंने इसका फ्रेम टाइटल नहीं दिया था जानबूझ के कि ताकि हमें फ़र्क दिख सके, यहाँ पे मैं फ्रेम टाइटल दे देता हूँ, ठीक है ना. फ्रेम टाइटल दे देता हूँ, इसको लिख ही देता हूँ, टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स, ठीक है, टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स. एंड देन लेट अस रन दिस कोड. ठीक है, ये देखिए टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स अभी यहां पे लिख करके आ गया, फाइन. अब कोई भी प्रेजेंट, अब ऐसे ही आप बहुत सारे वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना. आप इसमें मैट्रिक्स बना सकते हैं, जैसे वहाँ पे
मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वगैरह टाइप कर देते ना, वैसे ही यहाँ पे भी सब कुछ कर सकते हैं, उसे कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, और जो है मान लीजिए इसमें हमें कुछ थ्योरम, इसमें हमें एक एक और मैं वो कर देता हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना फ्रेम, ठीक है, इसमें मैं देख देता हूँ ये थ्योरम, इस फ्रेम का फ्रेम टाइटल लिख देता हूँ। इसमें और भी आप कर सकते हैं, जैसे बिगिन, ठीक है ना, थ्योरम एंड थ्योरम, बिगिन थ्योरम, ठीक है, बिगिन थ्योरम एंड थ्योरम करके आएगा, ठीक है ना। The risers of 12 are ठीक है, 1, 2, 3, 4, 6, 12, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते, प्राइम डिवाइजर कहेंगे तो प्राइम डिवाइजर कर सकते हैं आप, ठीक है। तो एनीवे ये मैंने सब कुछ स्टेटमेंट लिख दिया, कोई थ्योरम लिख दिया, ठीक है ना। सो आप ये जो है फ्रेम के अंदर में आएगा ये थ्योरम, अगर टी इसका कर्व चाह रहे तो ऐसे कर दीजिए, ठीक है, और ये थ्योरम के एनवायरनमेंट में आएगा, फ्रेम आएगा, फाइन। ये बिगिन थ्योरम एंड थ्योरम का एनवायरनमेंट वहां भी चलता है, जो आप देखो ये थ्योरम, ये फ्रेम का टाइटल हो गया और ये थ्योरम हो गया, इसका स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। तो अपने आप ये थ्योरम लिख करके आ जाएगा और ये स्टेटमेंट, ये अभी हम लोगों ने प्लेन बनाया हुआ है इसलिए उतना अच्छा नहीं लग रहा है। अभी 1 बजे क्लास है आपकी? बस देखो लास्ट स्लाइड में बनाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। चलो बिगिन, अब इसमें कोई भी प्रेजेंटेशन थैंक यू से खत्म होता है, ठीक है ना। तो फ्रेम लिख देते हैं, बिगिन फ्रेम एंड फ्रेम हो गया, और यहाँ पे मैं थैंक यू स्लाइड लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये तो आप चाहे ऑप्शनल है, आप चाहे तो करो चाहे ना करो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बड़ा सा थैंक थैंक्स टू ऑल, ठीक है, ऐसे करके लिख दिया हमने। अब इसको मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा हो, तो मैं क्या करूँगा इसको कर्ली ब्रेसेस में करके, ठीक है, और यहाँ पे ह्यूज लिख दूंगा, ठीक है, ह्यूज लिख दूंगा। अच्छा मैं चाह रहा हूँ इटैलिक भी हो तो मैं क्या लिख करूँगा, इंफ कर दूंगा, जैसे वहाँ पे करते थे ना वैसे यहाँ पे भी लिख देंगे, वो सारी कमांड्स यहाँ पे लगभग चलेंगी, ठीक है। अच्छा इसका हम कलर चाह रहे हैं तो रेड चाह रहे हैं, तो ए एल ई आर टी, अलर्ट जो होता है वो रेड कलर देता है किसी भी प्रेजेंटेशन में, तो ये चीज है। अब देखते हैं हम इसको कंपाइल करते हैं कि थैंक यू पेज आ रहा है कि नहीं। ये देखिए, ठीक है, बट ये क्या है, लेफ्ट जस्टिफाई आ रहा है, तो लेफ्ट जस्टिफाई आ रहा है तो हम करेंगे क्या, इसको बिगिन सेंटर, ठीक है, सी एन टी आर सेंटर और एंड सेंटर, ठीक है, ये कॉपी करके यहाँ कट करके मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, रन करा दे रहा हूँ, ये सेंटर में आ जाएगा। हर हर कलर के लिए हर अलग अलग कमांड होती है? हाँ होती है, वो देखेंगे बताएंगे आपको, फिलहाल तो अभी अलर्ट रेड के लिए होता है, बाकी का और होता है, ठीक है ना, देखेंगे। सो ये चीज हो गई, आई होप कि इतना ठीक है, अब आगे हम देखेंगे क्योंकि टाइम हो गया है ना, फाइन। और आप कहोगे तो मैं कोड इसका अपलोड कर दूंगा, ठीक है, और अगली क्लास में हम इसमें थोड़ा कुछ और करेंगे, और होपफुली नेक्स्ट क्लास में हम लोग बीमर का प्रेजेंटेशन ये फिनिश कर देंगे, उसके बाद फिर और देखेंगे फिर चीजें, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, इसमें और चीजें हैं बताने के लिए, मैं आपको PDF वगैरह सब दे दूंगा इसका। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, आई होप कि आप लोग ने कुछ सीखा होगा नया।